इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में दो फिलिस्तीनी कैदियों के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया। दोनों की मौत, दोनों की हाल ही में जेल से हुई थी रिहाई। गाजा में इजरायली सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान बेडरूम में मिली हमास की सुरंगें, बेडरूम में सुरंग से आने जाने का रास्ता दिखाया गया। गाजा में इजरायल के हमले में अब तक 39 पत्रकार मारे गए, 35 दिन में 12,000 लोगों की जान गई है। इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा जंग में अब तक 50 हमास लड़ाके मार गिराए, कई सुरंगें और बड़ी संख्या में हथियार तबाह किए। उत्तर पूर्वी यरूशलम के अनाता शहर में इजरायल की सेना का ऑपरेशन, बड़ी संख्या में तैनाती। नेबलस के बेतफुरिक में गोलीबारी, इजरायली सेना पर किया गया हमला, वाहनों को नुकसान पहुंचाने का दावा। जेनिन के जाबा में हिंसक झड़प, इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग, दोनों तरफ से नुकसान की खबर। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना को कामयाबी, हमास के 6 लड़ाके मार गिराए, आईडीएफ ने किया दावा। जेनिन कैंप में गोलीबारी से भारी तनाव, हमास के लड़ाकों का इजरायली सेना पर हमला, इजरायली हमले में अब तक 15 लोगों की मौत। 24 घंटे में गाजा के कई अस्पतालों पर बमबारी हुई है, बमबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत, भारी नुकसान की खबर, जगह जगह आग लगी। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का अल अफदा अस्पताल के पास हवाई हमला हुआ, हमले में कई पैरामेडिकल और अस्पताल कर्मी घायल। इजरायली सेना ने गाजा के रांतिसी अस्पताल में भीषण बमबारी की, जिससे अस्पताल परिसर में खड़ी कारों में भीषण आग लग गई। वहीं गाजा में अलशिफा मेडिकल परिसर में बम गिरने से हड़कंप मच गया, जान बचाकर भागते नजर आए लोग, बमबारी में एक शख्स के घायल होने की भी खबर। गाजा में इजरायल का जोरदार हवाई हमला, धमाकों की आवाज से पूरे शहर में दहशत, आसमान में उठे आग के शोले। इसराइल के एलाट शहर पर मिसाइल से हमला, प्राइमरी स्कूल को नुकसान हुआ, हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी। हमास के हमले पर इजरायली सेना का बड़ा बयान, कहा हमास ने अभी तक 9,500 रॉकेट दागे। इसराइल और हमास के बीच और विध्वंसक हुई है जंग, गाजा में इसराइल की भीषण बमबारी से लगी भयंकर आग, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। इसराइल ने गाजा में शाती शरणार्थी शिविर पर हमला किया, हमास का आरोप, आईडीएफ ने हमले में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, लड़ाकू विमानों से बरसाया सफेद फास्फोरस। आईडीएफ का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ हवाई हमला जारी, इजरायली सेना ने गाजा शहर में रात भर ताबड़तोड़ बम बरसाए। पत्नी सारा संघ पीएम नेतन्याहू ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की, परिजनों को पीएम का आश्वासन, बंधकों को जल्द सुरक्षित लाएगी सरकार। इराक में यूएस सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ, अल असद ने यूएस बेस पर अटैक किया, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की वीडियो को जारी किया। हमास का 2 बंधकों को छोड़ने का ऐलान, मानवीय आधार पर बंधकों को छोड़ेगा हमास। फ्लोरिडा के बोका रैटन में इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारियों और यहूदियों में झड़प, फिलिस्तीन समर्थकों ने यहूदियों के ग्रुप को पीटने की कोशिश की।